खबर लटेरी से। लोकायुक्त का छापा, 2.5 करोड़ की संपत्ति का मालिक निकला रोजगार सहायक। ग्राम पंचायत तेलोनी में पदस्थ ग्राम रोजगार सहायक राजेश यादव के घर लोकायुक्त पुलिस ने छापामार कार्रवाई करते हुए 2.5 करोड़ की संपत्ति मिलने का खुलासा किया। लोकायुक्त पुलिस के द्वारा ये कार्रवाई आज सुबह ही की गई। लोकायुक्त पुलिस को राजेश यादव से यहाँ से 2 पोकलेन मशीन, 1 विटारा कार, जमीन के कागजात, ट्रैक्टर ट्रॉली और प्लांट के कागज जाँच में मिले हैं। लोकायुक्त पुलिस के द्वारा आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही। वहीं ये भ्रष्टाचार का खेल काफी समय से स्थानीय जनपद पंचायत लटेरी के अधिकारियों के संरक्षण में चल रहा था, जिसकी शिकायतें जिले स्तर से लेकर संभाग स्तर तक की जा चुकी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पाई थी। जब शिकायत लोकायुक्त पुलिस के पास पहुंची तो लोकायुक्त पुलिस ने इस भ्रष्ट ग्राम रोजगार सहायक को धर दबोचा। 9,000 की वेतन पाने वाले रोजगार सहायक लोकायुक्त के खुलासे के बाद करोड़ों की संपत्ति का मालिक निकला है। लोकायुक्त 2 टीमों ने छापामार कार्रवाई की है, जिसमें उसके निजी निवास तिलोनी और लटेरी के पुराना बाजार में ये कार्रवाई जारी है। ये राजन यादव रोजगार सहायक है, यहीं आपके लटेरी ग्राम पंचायत क्षेत्र में तिलोनी ग्राम पंचायत है और लटेरी तहसील में है। शिकायत आई थी 3 मार्च को। आवेदक है हमारे यहाँ नेपाल यादव और रामराज यादव। उन्होंने शिकायत की थी कि इन्होंने 10 साल की सरकारी नौकरी इनकी हुई है, 10 साल सेवा में आया हुआ है और 10 साल में इन्होंने लगभग 2.5 करोड़ की संपत्ति अर्जित कर ली है। तो उसके परिपालन में हम लोगों ने अपना गोपनीय सत्यापन के तौर पे जो जो हमने जानकारी कलेक्ट की उसके आधार पे आज हम लोगों ने यहाँ छापामारी की कार्रवाई की है वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में। इसमें हमने ये पाया कि इस ये जो कर्मचारी है राजन यादव, 2 JCB मशीन, एक तो हिताची कंपनी की पोकलैंड जिसकी कीमत 54,50,000 है और एक सैनिक कंपनी का है जो 48 लाख है, और इसके पास एक ब्रेजा कार है, एक ट्रैक्टर ट्रॉली है, एक साइन मोटरसाइकिल जैसे देख रहे हैं आप लोग बगल में ये खड़ी है, ये है, ऐसी काफ़ी संपत्ति इन्हें अर्जित की है। और इस बीच जब से नौकरी में आया उसके पश्चात ही इसने कम से कम 8 रकबे की रजिस्ट्री अपने नाम से कराई है। ये हमारे पास पूरे दस्तावेजी साक्ष्य हैं। लगभग टोटल कितना हो गया? लगभग अभी इनके पास जो आया 32-35 बीघा है अभी, और हमारे कागज वागज हम चेक कर रहे हैं जितना और बढ़ जाएगा। कितनी जगह ये कार्रवाई की गई है और आप कितनी टीम है? अभी फिलहाल 2 जगह पे कार्रवाई चल रही है, एक ये जहाँ राजन यादव मुख्य आरोपी रहता है वहाँ, दूसरा उनका जो पिताजी का घर है ग्राम मोरी तिलोनी। मकान कितने पाए गए? मकान इसमें 2 तो इसके प्लॉट पाए गए हैं आपकी ही एरिया में, श्रीजीपुरम कॉलोनी है वहाँ 2 प्लॉट का पता चला है, और एक यहीं आप 500 मीटर दूर जाएंगे तो एक 2000 स्क्वायर फीट की ज़मीन पे निर्माणाधीन मकान है, तो एक मकान वो है। एक क्या कार्रवाई होगी इसमें? आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला दर्ज किया, भ्रष्टाचार। अनुमानित कितनी संपत्ति सो हो चुकी है अभी तक? लगभग 2.5 करोड़। 2.5 करोड़ लगभग हो चुकी है। पैतृक संपत्ति है 40 बीघा जमीन है, 3 भाई हैं इन लोग, पैतृक संपत्ति है इनके पास, जमीन है। इस नौकरी में आने के बाद इन्होंने लगभग 2.5 करोड़ संपत्ति अर्जित की, ऐसा कहना है आपका? बिल्कुल, और हमने अभी जांच, अभी हमको प्रथम दृष्टया यही प्रतीत हो रहा है, और अभी जो हम इनके घर की सर्च वर्च कर रहे हैं तो सोना भी काफ़ी मिला है और 1 लाख रुपये कैश नगद मिला हुआ है घर से, एक 4500 वर्तमान में इनकी 9,000 पेमेंट है, 9,000 पेमेंट पाने वाले के घर में 1 लाख रुपए कैश, 1 नहीं 1.25 लाख के आसपास है। अभी हम काउंट करेंगे, लेकिन एक की तो मोटी गड्डी अलग से थी, बाकी चिल्ला रहे हैं। मैडम क्या लगता है आपको इतना बड़े? खबर भारत वर्ष के लिए लटेरी विदिशा से रवि विश्वकर्मा की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।